नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। वैवाहिक अंकृत नागरिकता सबसे बेसी मध्य प्रदेश में वितरण कैल गेल मुख्य प्रसंग से। नागरिकता प्रमाण पत्र संबंधी कानून बनल 70 वर्ष में 4,24,000 नेपाली पुरुष संग विवाह क के आयल वैवाहिक अंकृता नागरिकता लेने पैल गेल भारत, चीन, अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भूटान लगात के 80 देशक में नेपाल आयल बाद वैवाहिक अंकृत नागरिकता लेने गृह मंत्रालय जानकारी दिलक। 13,552 गोटे राष्ट्रीयता नहीं खुजल से हो नागरिकता लेने से भारत से विवाह क के आयल बाद वैवाहिक अंकृत नागरिकता लेने महिला के संख्या 3,96,557 रहल गृह मंत्रालय प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल जानकारी देने से। नेपाली देश के 13,507, फिलीपींस के 161, आइसलैंड के 153, चीनिया 167, इंडोनेशिया 56, भूटान के 46, बांग्लादेश के 22, नेदरलैंड के 19 आ म्यांमार के 16 गोटे महिला नेपाली पुरुष संग विवाह क के अंकृत नागरिकता लेने से। प्रदेश एक अंतर्गत के जिला प्रशासन कार्यालय से 42,761, मध्य प्रदेश के जिला सब से 2,29,973, बागमती से 2,087, गंडकी से 3,384, लुमिनी से 1,43,104, करनाली में 87,000 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के जिला से 3,026 गोटे वैवाहिक अंकृत नागरिकता लेने गृह मंत्रालय जानकारी दिलक। नेपाल रेलवे कंपनी भारत के जयनगर से धनुषा के कुर्था रेल मार्ग में संचालन होत आयल रेल के वॉशिंग कराबे में मात्र वार्षिक 5 करोड़ से बेसी के रकम खर्च भ रहल खुलासा भेल। कंपनी के अपने वॉशिंग सेंटर नहीं रहला से भारत में रेल के वॉशिंग कराब पर बाध्यता के कारण से हो अतेक बड़का रकम खर्च भ रहल। जयनगर कुर्था रेल मार्ग में बीतल 2078 चैत 19 गते से नियमित रेल सेवा संचालन होत आयल। नियमित रेल सेवा संचालन होत एलो पर अपन वॉशिंग सेंटर आ फ्यूल सेंटर नहीं रहला से भारत में रेल के वॉशिंग कराब पर व्यवस्था रहल। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन कुमार झा कहलत अ के कारण अपने सब वॉशिंग में मात्र वर्षेनी 5 करोड़ से बेसी के खर्च क रहल से। भारत में फ्यूल भरला से 28% कर तीर पर बाध्यता संगे ऐसा अपने सब वर्षेनी बड़का रकम खर्च कर बाध्य रहल हिनकर कहब छल। नेपाल रेलवे कंपनी अपन वॉशिंग सेंटर आ फ्यूल सेंटर स्थापन कलन त वार्षिक करीब 7 करोड़ से बेसी रकम बचत हिनकर कहब से हो छल। के लिए बजट चाही, अपने सब सरकार सब संग बजट मांग कलो मुदा अखन धर बजट पाव नहीं सकल से। बजट के नाम में आश्वासन बाहेक अखन धर किछ नहीं भेटल हिनकर उपराग से हो। नेपाली रेल संचालन कर नेपाली जनशक्ति नहीं रहला से हो अखन भारतीय जनशक्ति से रेल संचालन भेल अहू से बड़का रकम खर्च भेल। नेपाल रेलवे कंपनी में 26 गोटे भारतीय कर्मचारी रहल सन। महाप्रबंधक झा कहलत भारतीय कर्मचारी के तलब रेल के मेंटेनेशन सामान खरीद लगात के वार्षिक 48 करोड़ भारतीय रेलवे कंपनी के तीर पर व्यवस्था रहल। अपना सब संग अपन नेपाली चालक नहीं है वह सब भारतीय चालक के रेल चलेब आयल में अही बाफत हिनका सबके तलब बाफत मात्र मानसिक 18,00,000 तीर पड़वाक स्थिति रहल हिनकर कहब छल। संगे जयनगर से कुर्था आ कुर्था से जयनगर दिन में 2 बेर आव जाव कर रहल रेल से दैनिक 2,05,000 आमदनी भेल नेपाल रेलवे कंपनी जानकारी दिलक। रेल से वार्षिक 8 करोड़ आमदनी भेल में खर्च 50 करोड़ जतेक रहल महाप्रबंधक झा के कहब रहल। अखन नेपाल सरकार भारतीय रेलवे कंपनी कॉरपोरेशन के वार्षिक 48 करोड़ तीर पर समझौता भेल महाप्रबंधक झा जानकारी देने शायद। रौतहट के अधिकांश पालिका अपन क्षेत्र में रहल सड़क बत्ती के महसूल तीर आलटार कर रहल। विद्युत प्राधिकरण 5 वर्ष से बक्योता तीर लिखित आ
मौखित ताके ताके लोप पालिका सब अटेर कर लागल अछि। जिला के चंद्रपुर, गरुड़ा, गुजरा आ वृंदावन नगर पालिका से हो पोल बत्ती के 5,26,00,000 रकम तीर बाकी रहल में आल टाल क रहल विद्युत प्राधिकरण चंद्रनिगाहपुर वितरण केंद्र जानकारी दिलक अछि। प्राधिकरण बकौता रकम तीर पालिका के बेर बेर ताकेता करैत आयल सड़क बत्ती प्रयोग के लोप सबसे बेसी चंद्रपुर के प्राधिकरण के 1,70,00,000 रुपया तीर अखन बाकी रहल अछि। तहिना गुजरा 1,65,91,000 रुपया नहि तीरने अछि। संगे वृंदावन नगरपालिका 1,22,30,000 आ गरुड़ा नगरपालिका 67,37,000 रुपया बकौता तीर बाकी रहल केंद्र जानकारी दिलक अछि। सड़क बत्ती जडान केने से ल क अखन धरि महसूल नहि बुझाओल गेल। संगे बकौता रकम अधिक भेल हिनकर सबके कहब सेहो सल। चंद्रनिगाहपुर वितरण केंद्र के प्रमुख सत्यनारायण गामी के सड़क बत्ती बकौता असूली प्रक्रिया आगा बढ़ाएल गेल जानकारी देने से चंद्रपुर के नगर प्रमुख संजय काफले सड़क बत्ती के बकौता रकम संबंध में अपने सबके किछ था नहीं रहल जानकारी दलथि। रौतहट के गौर नगर पालिका 2 स्थित बकैया नदी किनार में सुरक्षाकर्मी के देखने बाद गांजा बोकने व्यक्ति सब वत सब भागल अछि। प्रहरी लछार पछार केने बाद गांजा तस्कर गांजा वतई फेंक कर भागल प्रहरी जानकारी देने छैन। भारत दिस ल जा रहल अवस्था में गांजा कारोबारी गांजा वतई करीब 2 से 4 किलो फेंक कर भागल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अस्थायी प्रहरी पोस्ट महादेवपट्टी आ सशस्त्र प्रहरी के बेस कैंप गौर से खटल टोली गांजा बरामद के ने जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के DSP सुनील मल्ल जानकारी देने छैन। सोमदिन भिनसर गस्ती में गेल प्रहरी के देखने बाद गांजा कारोबारी सब 17 प्लास्टिक के पोका में रहल गांजा ओतै फेंक कर भागल सल। आरोपी सबके खोजी भ रहल DSP मल्ल जानकारी देने छथि। सरलाही के चंद्रनगर गाँवपालिका वडा नंबर 6 नाडी मन बाजार स्थित एक मोटरसाइकिल गैरेज में आग लगी भेला से करीब 10,00,000 रुपया बराबर के क्षति भेल अछि। नाडी मन बाजार में स्थानीय मोहन शाह संचालन केने मोहन मोटरसाइकिल वर्कशॉप में आग लगी भेला से एत राखल गेल 3 विभिन्न मॉडल के मोटरसाइकिल हवा मशीन मोटरसाइकिल धोए वाला वॉशिंग मशीन आ दोकान में राखल गेल लगभग 3,00,000 मूल्य बराबर के विभिन्न सामान सब जड़ कर पूर्ण रूप में नष्ट भेल प्रहरी जानकारी देने छैन। किछ अज्ञात व्यक्ति सबके समूह आबि कर गैरेज में पेट्रोल छिड़क कर आग लगने स्थानीय सबके आशंका सेहो रहल अछि। संगे घटना के संबंध में आवश्यक अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के नेपाल भ्रमण के मिति नजदीक आयल समय भारतीय हवाई सेना के उप प्रमुख तेजवीर सिंह काठमांडू आयल छैन। 31 सदस्यीय टोली के नेतृत्व करते 5 के लिए सिंह नेपाल आयल छैन। भारत के नया दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज में संचालित नेशनल डिफेंस कोर्स 62 में सहभागी 31 गोटे भारतीय सेना सहित की टोली नेपाल आयल नेपाली सेना जानकारी दिलक अछि। सिंह के भ्रमण के त्रिपक्षीय सैन्य संबंध के नियमित पाटो बतबैत नेपाली सेना आगामी अर्थात रवि दिन 19 गते भादो भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष पांडे के भ्रमण के सेहो व्यह रूप में व्याख्या कलक अछि। वायुसेना उप प्रमुख सिंह प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खटका अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संग अलग अलग भेटघाट करवा कार्यक्रम समेत रहल अछि। संगे सोम दिन सैनिक मुख्यालय भ्रमण कर सिंह प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगात के सैन्य अधिकारी सब संग भेंटवार्ता कर लागल छैन। सिंह नेतृत्व के टोली मंगल दिन पोखरा स्थित सेना के मध्यम कमांड हेडक्वार्टर आ पोखरा के पर्यटकीय क्षेत्र के भ्रमण कर लागल छैन। टोली पशुपतिनाथ वसंतपुर दरबार क्षेत्र के अवलोकन सेहो करबाक कार्यक्रम रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कांग्रेस के भातृ संगठन नेवी संग राज्य संरक्षित गुंडागर्दी कर लेल छूट देने आरोप लगौलक अछि।
सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली त्रिवी में नेवी संग गुंडागर्दी के लोप राज्य मौन बैसल कहित अहि प्रति आपत्ति जनौने से त्रिवी में देखल गया समस्या समाधान नहीं कक संसद चलन नहीं देव एमाले चेतावनी सेहो दिलक है। गेवाली नेवी संघ के मंडल के अवतार के उतार खोज रहल कहित प्रश्न समिति केने अछि। ओ त्रिवी में भेल आंदोलन के विषय में उप कुलपति के जवाब देवाक लेल मांग कलै। कुलपति जी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री जी, उहाँलाई बोल्नु पर्छ कि पर्दैन यस्ता विषय? आज 50 अरब भन्दा बढी पैसा महँगो मूल्य सहितको विदेशी मुद्रा आज बाहिरिएको छ उच्च शिक्षाका नाममा पढ्नका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक फलोको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा, उनीहरूको सेन्सिटी, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार संरक्षण। एमाले के मांगक बाद सभामुख अग्नि सापकोटा विश्वविद्यालय के समस्या समाधान कर सरकार के निर्देशन देने चाहते। माननीय सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ, सदाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छ। लम्बा समयसँग विश्वविद्यालयमै तालाबन्दी रहलाके कारण पठन पाठनमै समस्या होइ त्याल कहैत रवि दिन नेवी संघ आ अनिरेश बीच तालाबन्दीके विषयमै झडप सेहो भेल छल। टुडे समाचारमे अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। नेपाली बाजार में आई सोन के दाम घटल है। नेपाल सोन चैन व्यवसाय महासंघ के अनुसार घटल दाम अनुसार आई छापावाल सोन के दाम तोला के 94,500 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 94,000 निर्धारण कैल गया है। संगे रवि दिन छापावाल सोन के दाम 95,100 आ तेजाबी सोन के दाम 95,600 रुपया में कारोबार भेल सल त आई चांदी के दाम से 15 रुपया से घटिक प्रति तोला 1,145 रुपया में कारोबार भ रहा महासंघ जानकारी देने। रवि दिन चांदी के दाम 1,160 रुपया में कारोबार भेल सल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मलेशिया में शक्तिशाली भूकंप गेल। राजधानी कुआलालंपुर से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के केंद्र बिंदु बनाकर सोम दिन भिनसर 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल मलेशिया के भूकंप मापन केंद्र जानकारी दिलक। राजधानी कुआलालंपुर से 566 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में केंद्र रहल उक्त भूकंप के गहराई 10 किलोमीटर रहल भूकंप मापन केंद्र जानकारी देने। स्थानीय समय अनुसार सोम दिन भिनसर 8:59 में उक्त भूकंप गेल सल। भूकंप गेलाक बाद भौतिक तथा मानवीय क्षति के विवरण अखन सार्वजनिक नहीं कैल गेल। इससे पहले सुमात्रा टापू के दक्षिण पश्चिम टापू क्षेत्र में भूकंप गेला से पानी के प्रभाव रोकल गेल सल। भूकंप के केंद्र बिंदु समुद्री तह से 64 किलोमीटर दूर के समुद्र में रहल जानकारी सेहो देल गेल। भूकंप से भेल क्षति के विवरण अखन सार्वजनिक नहीं कैल गेल। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। यूएई में जारी एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के 5 विकेट से पराजित केलक। रवि दिन राति भेल खेल में पाकिस्तान देने 148 रन के लक्ष्य भारत 2 बॉल बाकी रहल में 5 विकेट के क्षति में पूरा केलक। भारत के हार्दिक पांड्या 17 बॉल में 4 चौका आ 1 छक्का सहित अभिजीत 33 रन जोड़लन। पूर्व कप्तान विराट कोहली आ रविन्द्र जडेजा समान 35 रन बनौने सलन।
सूर्य कुमार यादव 18 आ कप्तान रोहित शर्मा 12 रन लेलन त दिनेश कार्तिक 1 रन में अभिजित रहलन। संगे पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज 3 विकेट लेने में नासिम शाह 2 विकेट लेने सलैत। इससे पहले टॉस हार कर बैटिंग शुरू केने पाकिस्तान के लिए ओपनर मोहम्मद रिजवान 43 रन बनौलथ। इफ्तिखार अहमद 28 आ हसीर राउत अभिजीत 13 रन जोड़लन। संगे कप्तान बाबर आजम कफर जमान आ सादब खान समान 10 रन अही में जोड़ने सलैन। भारत के भुवनेश्वर 4 बॉल में 26 रन दक 4 विकेट ले। संगे हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 25 रन दक 3 विकेट ले लेन। अर्शदीप सिंह 2 तथा आभास खान 1 विकेट लेने सलैथ। बेस तो टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हो बेटा करब। तखन धर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।